हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। एक फ्लाईओवर दिया हुआ है, इसकी जो दीवार है, दीवार पे आपने कभी देखा भी होगा, वहाँ पे विज्ञापन बने रहते हैं किसी भी कंपनी के, ठीक है। तो उसकी जो दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ हैं 122, 22 और 120 दी गई हैं। जो त्रिभुज की ये दीवार हैं, हमें क्या क्या दी हुई हैं, 122, 22 और 120, 122, 22 और 120 दी गई हैं। और उसके बाद हम इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। ये जो दीवार पर का विज्ञापन है, तो एक साल का किराया इसका कितना आ रहा है, 5,000 रुपये प्रतिवर्ष, एक साल में 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। दीवार का जो विज्ञापन का खर्चा है 5,000 रुपये है, तो एक महीने का आ जाएगा ये 5,000/12। 12 महीने का किराया 5,000 है, तो एक महीने का 5,000/12 आ जाएगा। और हमें 3 महीने का किराए पर लिया है, तो 3 महीने का किराया बन जाएगा 5,000/12 था ये, गुना में 3 हो जाएगा, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये पूरा निकालने के लिए हमें मीटर स्क्वायर की जरूरत है, ये कितने मीटर स्क्वायर है दीवार। तो हमें ये त्रिभुजाकार आकृति दी गई है, इसका सबसे पहले हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, जितना क्षेत्रफल होगा फिर हम आगे ये क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है। तो इसको अब शुरू कर रहे हैं हम कि मान लीजिए हमने ये फ्लाईओवर की जो दीवारें हैं, कि त्रिभुज का दीवार की भुजाएं हैं ए बी सी है, ए बी सी हैं ये जो दीवारें हैं, ए बी सी। तो ए कितना दिया हुआ है, 122, बी 22 और सी 120 मीटर दिया हुआ है। और एस, एस का फार्मूला क्या था, एस यानी अर्ध परिमाप का फार्मूला यही होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे दो, 122 प्लस 22 प्लस 120। ए की वैल्यू 122, बी की वैल्यू 22, सी की 120 बटे दो, इन तीनों को जोड़ लेंगे, 122 को, 22 को और 120 को, 264 आ गया। 264 का आधा कर लेंगे, 2 × 2, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 132 आ गया। अब हमें फार्मूला त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल है जो, इसका फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल वही होगा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो हम पहले एस माइनस ए निकाल लेंगे, एस कितना है, 132 है, माइनस ए है 122, तो ये बन जाएगा 10। ऐसे ही एस तो 132 है और बी कितना है 22, तो ये आ गया 110, 132 और सी है 120, इसके अंदर से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 3 में से 2 गया 1, ठीक है, ये आ गया है 12। तो अब इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, एस कितना है 132, एस माइनस ए 10 आया था, एस माइनस बी कितना आया है, एस माइनस बी 110 और एस माइनस सी की जगह रख देंगे 12। अब इसको हमने, इसके फैक्टर बनाने हैं, गुणनखंड बनाने हैं, जिससे कि हम देख लें कि आंसर क्या आ रहा है। तो ये क्या है, 132 है, यहाँ पे 10 है, 110 को अगर 12 से गुना करेंगे, 110 को 12 से, तो इतना आ जाएगा 132 जीरो, ठीक है, गुना करके देख लो, 110 को 12 से गुना किया, जीरो तो हम पीछे लिख ही लेते हैं, 12 × 12 और 1 = 13, 1320 आ गया। तो हम ये देख रहे हैं कि इसको 132 गुना 10 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 132 गुना 10 लिख लो इसको भी, ठीक है, 2 132 में से 1 132 बाहर आ जाएगा और 2 10 में से 1 10, तो ये बन जाएगा 1320। ये फैक्टर आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जिस तरह से आपको लगे कि कॉमन आ सकता है, ठीक है, ये कैसे मर्जी आप बना के फिर इसको कर सकते हैं। तो ये बन गया है 1320 मीटर स्क्वायर। अब हमने देखा था कि दीवार पर विज्ञापन का एक वर्ष का किराया हमें 5,000 रुपये मिलता है, तो एक महीने का किराया हो जाएगा 5,000/12, तो हम कैंसिल नहीं कर रहे, ठीक है, कैंसिल कर अभी नहीं कर रहे हैं हम। फिर 3 महीने का किराया आ जाएगा 5,000/12 गुना में 3 × 3 = 12, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर विज्ञापन के लिए किराया 5,000/4 है, तो ये कुल मिला के हमारा 1320 मीटर स्क्वायर था। तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए किराया कितना हो जाएगा, देखो 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो किराया मिल रहा है
देखो, 1 साल का 5,000 था तो 1 महीने का 5,000 बटे 12 हुआ, 3 महीने का गुना में 3, 3 महीने का इतना किराया है 1 मीटर स्क्वेयर के लिए, पर मीटर स्क्वेयर है ना, 1 मीटर स्क्वेयर का है इतना, तो 1 मीटर स्क्वेयर के लिए 5,000 बटे 4 है, तो कुल मिला के कितना क्षेत्रफल है वो 1320। तो 1320 के लिए गुना में हम क्या कर देंगे, 1320 इसके गुना में 1320 कर देंगे, 4 से इसको काटेंगे, 4 3 12, 4 3 12 0, फिर इनकी गुना कर देंगे, 3 और 1 4 0 तो आ जाएंगी, 33 को 5 से गुना करेंगे, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, तो इतना रुपए जो है इसका किराया है, जो विज्ञापन के लिए जो किराया है वो इतना है। तो ये आ जाता है आंसर। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप सभी वीडियोस टाइम टू टाइम देखते रहें।